चुनावी घुमक्कड़ में आज समाचार प्लस की टीम पहुंच गई है शामली जिले के कैराना में। कैराना तहसील और कैराना विधानसभा की अगर बात करें तो सीधे तौर पर कैराना का नाम अब अछूता नहीं है, केवल देश में ही नहीं विश्व में भी अब कैराना का नाम जाना जाता है, इसलिए क्योंकि कैराना से एक पलायन का एक बड़ा मुद्दा निकला। भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया और तमाम राजनीति हुई। उत्तर प्रदेश में शासन करने वाली समाजवादी पार्टी सरकार ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन निश्चित रूप से कैराना में एक बहस का विषय है। विधानसभा चुनाव 2017 के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों अपने अपने व्यक्तियों को कैराना में लगा रहे हैं और एक्टिव कर रहे हैं। देखना यह होगा कि बाजी किसकी होगी। हालांकि वर्तमान में 2014 अक्टूबर में जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी से विधायक यहां चुना गया। इससे पहले लगातार विधायक भाजपा के थे, लेकिन अगर कैराना के लोगों की बात करें, आम आदमी की बात करें, तो निश्चित रूप से कैराना का आदमी परेशान है, और खासकर व्यापार न चलने से, रोजगार ना होने से, बत्ती ना होने से, पानी ना होने से, ये सड़कें ना होने से, ये कई ऐसी प्रॉब्लम है जिनको कैराना के लोग फेस कर रहे हैं। क्या राजनीतिक दल इसके बारे में सोच रहे हैं? इस चुनावी घुमक्कड़ में हम सीधे उनसे बातचीत करने सबसे पहले चलेंगे। हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा के लोग हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस से शुरुआत करेंगे। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस अपनी सत्ता खो चुकी है, लेकिन कैराना में कांग्रेस लगातार विकास के या विधायकों के कार्य को लेकर कहां तक आवाज उठाई? संतुष्टि बिल्कुल नहीं है किसी भी तरीके से। हमारे सांसद महोदय जी और हमारे विधायक महोदय जी दोनों ही कहीं अलग जाके सोए हुए हैं, और कैराना की बारे में कोई किसी को चिंता नहीं है। जिस तरह हमारा भूरा गांव, कंडेला गांव, दुनिया भर के गांव जिनमें सड़कों पे पानी भरा हुआ है, मच्छर हैं, टीडीएस कंट्रोल नहीं हो रहा है, लोगों को पीलिया हो रहा है, जगह जगह बीमारियां फैल रही हैं, बरसात की मौसम है, लेकिन हमारे सांसद और विधायक यहाँ से नदारद हैं, यहाँ से चले गए हैं, तो हम लोग उनको ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो हमारे सांसद और विधायक यहाँ पे आए और वो देखें हमारी जनता कितनी बेहाल है। तो मेरी उन आपके माध्यम से अपने सांसद और विधायक से यह अनुरोध है कि वो अपने क्षेत्र पे, क्योंकि वो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, और थोड़ा सा ध्यान इधर भी दे दें, लखनऊ और दिल्ली को छोड़कर, मंत्रालय को की चिंता को छोड़कर, अपना समय हमें हमारे क्षेत्र को दें ताकि हमारी जनता को इससे आसानी हो सके, क्षेत्र में समय दें। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग आ चुके हैं, अब थोड़ी देर पहले ही आए हैं, लेकिन मैं जानना उन्हीं से सबसे पहले जाऊंगा क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष शायद आए हैं, यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, कौन है प्रतिनिधि? आप ही हैं, आ जाइए, आगे आ जाइए। कांग्रेस का आरोप आप पे बड़ा है, विधायक गायब है, मिल नहीं रहा क्षेत्र। विधायक जी जो हैं, फिलहाल रमजान चला हुआ है, अगर कांग्रेस के लोग इस प्रकार का कोई आरोप लगा रहे हैं तो वो गलत है, रमजान का महीना है, प्रतिनिधि लगातार उनके बीच में है, ठीक है, ये समस्या है और कोई इसके। विकास काम हो रहे हैं, वो तो विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं, विकास के कार्य हमारे कार्यकाल में पौने दो साल का हम लोगों का कार्यकाल है और हमसे ज्यादा विकास कार्य किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। बसपा से सीधे जानकारी लेंगे, दावा बहुत मजबूत है, कह रहे हैं विकास काम किया। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ कैराने में जी, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। काम एक तो करा सपा सरकार ने के थाने के काम तो किए 307 और छांतर लगवाने का तो काम किया फर्जी, 99% मुकदमे फर्जी थाने में, 99% मुकदमे फर्जी लिखवाए गए सब, 99% मुकदमे फर्जी लिखवाए जा रहे हैं आपके राज्य। अब ये तो जो है विपक्ष के लोग जो हैं उनके पास दूसरा कोई बात तो है नहीं कहने के लिए, इसके अलावा क्या बात है। कैराना में क्या लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है? भाजपा के लोग बताएंगे क्या कैराना में लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है। कैराने में दिन रात व्यापारी चैन से अपना व्यापार नहीं कर सकते। कैराने में जो पलायन का मुद्दा था वो सिर्फ गुंडागर्दी का मुद्दा है, रंगदारी को वसूली जाती है बाकायदा, जिसे व्यापार करना वो रंगदारी देकर व्यापार करेगा। व्यापारी यहाँ हताश है, निराश है? निराश है, व्यापार अपना छोड़कर बाहर शिफ्ट होने के लिए तैयार है। राज्य सरकार समाजवादी पार्टी की है, विधायक समाजवादी पार्टी का है, और आरोप आप पे ये लग रहा है कि कैराना से व्यापारी पलायन कर रहा है। सारी दुकानें ये बात तमाम दुकानें अभी भी खुली है, व्यापारी वर्ग कोई ऐसा असंतुष्ट नहीं है, और एक अधिकांश से आप ये देखेंगे कैराने के अंदर विशेष रूप से जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उन पे अधिकार
अधिकांश मुस्लिम लोग ही उनके मुलाजिम हैं, बड़ी दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसी वो नहीं है। एक दो साल दो वर्ष पूरे एक घटना जरूर घटित हुई थी, उसके बाद ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुई और यहाँ बिल्कुल शांति प्रिय है सब। तो क्या भाजपा जो आरोप आप पे लगा रही है बेबुनियाद निराधार आरोप है, वो हमारे पे आरोप नहीं है ना इस प्रकार की कोई यहाँ अभी कोई ऐसी अब कोई घटना ऐसा है। देखो जी, इस मामले में भी संसद हुकम सिंह जी ज्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं। ज्यादा जिम्मेदार हैं किस बात के? संसद हुकम जी अपनी सरकार में बीजेपी में संसदीय कार्य मंत्री थे उस टाइम। उस टाइम की प्लानिंग है, तो जब से चल रही प्लानिंग। प्लान तो आपके समय से बहुजन समाजवादी पार्टी करी, आपके समय से ये 3 साल की आप कह रहे हैं जो सही है। 3 सरकार की रिपोर्ट में 252 व्यापारी 3 साल में गए, ये तो सरकार की रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। हमने कहा कुछ नाम उनमें गलत गए, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के आधार पर आप 252 परिवार 3 साल में पलायन कर गए। 252 परिवार 3 साल में पलायन कर गए, कम नहीं है साहब? एक आदमी भी अगर जाएगा तो राज्य सरकार का फेल्योर है। ये लगातार जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है, एकदम झूठा है, कतई राजनीति से प्रेरित ये मामला है। एक भी परिवार जाता है तो नहीं, सब लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए गए हैं, शिक्षा के लिए गए हैं, और पिछले 2 साल के पे कोई हमारे पे आरोप नहीं है कि हमारे इस समय के अंदर कोई इस प्रकार से पलायन करके गया हो। एक इसका उदाहरण नहीं है। विधायक जी 2 वर्ष से विधायक हैं यहाँ पे, इसी उनका राजनीतिक करियर ही 2 वर्ष से है। 2 वर्ष से करियर है, और 2 वर्ष के लिए जो जो उन्होंने काम किए थे काफी थे, वो कह रहे हैं 2 वर्ष के लिए जितना काम किया था काफी है साहब। हुकुम सिंह जी का कह रहे हैं आप? मैं विधायक जी की बात कर रहा हूँ। विधायक जी देखिए, जब से विधायक बने हैं क्षेत्र से नदारद है, हमें कहीं नहीं दिखते विधायक जी। और हम क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं वहीं पर लोग कहते हैं कि भाई जब विधायक जी चुनाव लड़े थे तब तो घर घर आके वोट मांग गए, उसके बाद विधायक जी कहीं भी क्षेत्र में कैराना के विधायक दिखते हैं आप लोगों को? कैराना में तो साहब दोनों नहीं आते, जनता ये कह रही है। ना विधायक दिखता है ना सांसद, ये मकान है यहीं पे उनका। जब जब जाओ मिलो उनसे, अब भी हम यही है, अब भी यही रहते हैं। कौन कहे अगर सेशन चलेगा दिल्ली जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कैराने में रहेंगे। इनके विधायक जी हैं, संसद चलो वो विधानसभा चलो या ना चलो, लेकिन वे यहाँ नहीं मिलते, यहाँ नहीं मिलते, विधानसभा में रहते नहीं है, क्षेत्र से मिलते नहीं है। लोग तो कह रहे हैं विधायक जी तो दिखते नहीं, तो रहते कहाँ? विधायक जी यहीं पे मौजूद, विधायक जी यहीं पे ही है। विधायक गांव नहीं, नहीं विधायक बिल्कुल गलत करे, यही है। हफ्ते में 2 दिन यहीं बैठते हैं हमेशा, 2 हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे देते हैं, यही उनकी रिहायश है और यही पे वो रहते हैं। फिलहाल 2017 का जो चुनाव आ रहा है, 2017 का विधानसभा कैराना से भी होगा, एजेंडा क्या होगा चुनाव का? विकास एजेंडा होगा, पानी बिजली एजेंडा होगी, किसानों की समस्याएं एजेंडा होगी, या एक बार फिर पलायन का मुद्दा उठेगा? क्या एजेंडा होगा चुनाव का, खासकर कैराना का? कैराना का खासकर मुद्दा होगा प्रशासनिक विकास का मुद्दा होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रहेगा। किस भाजपा का क्या कहना है, किस मुद्दे पे चुनाव? मुद्दा ही लॉ एंड ऑर्डर है और दूसरा विकास का, 2 ही मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी भाजपा। विकास के मुद्दे पे भाजपा चुनाव लड़ेगी? विकास पुरुष लोग कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, अपनी अपनी उपाधि देते हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो या पहले कोई और रहा हो। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि छपरौली से कैराना का बुरा हाल है, छपरौली में जो स्थिति होगी वहाँ के जो वो होंगे उनसे भी बुरा हाल कैराना का। अब ये आप देख लें कि ये इसका विकास कितना हुआ, अभी जिस तरीके से कैराना बुरा का मुद्दे पे चुनाव होगा कैराना में, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास और सामाजिक एकता, लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक एकता, क्या होगा एजेंडा आप लोगों के चुनाव? असल में ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात जहाँ तक है, सांसद जी ने खुद पलायन करके कैराने में अपना भव्य आवास बनाया है। मतलब सांसद जी खुद पलायन कर रहे हैं? सांसद जी आपके खुद पलायन कर रहे हैं? सांसद जी तो मुजफ्फरनगर रहते थे, अब इसी स्थिति को देखते हैं यहाँ जब पब्लिक पलायन कर रहे हैं, उसके लिए खुद कैराने में मकान बनाया होना भी। तो अगर सांसद पलायन कर रहा है और अनसिक्योरिटी है तो राज्य सरकार तो आप मुजफ्फरनगर से पलायन करके कैराने सुरक्षित जगह पे आके उन्होंने अपना भव्य आवास बनाया है, वो यहाँ पे रह रहे हैं, इसे सबसे ज्यादा शांति प्रिय स्थल उन्होंने
समझा है, इसीलिए कैराना ये चुन के आज वो यहीं रह रहे हैं गत 5-6 सालों से। इससे पूर्व मुजफ्फरनगर रहते थे और उनके साथ ईश्वर ना करे बहुत बड़ी दुर्घटना भी उन्हीं के लोगों ने कर दी थी, उनकी पत्नी का हत्या कर दी गई थी और उन्होंने वहां से उस दिन से पलायन करने की सोच ली थी और कैराने को सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह समझ गए, अब वो यहीं पे रह रहे हैं। और फिलहाल समाजवादी पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या? हमारा चुनावी मुद्दा तो विकास है ही और विकास है और यह हम किया भी है। अखिलेश जी ने जितना विकास करके दिखाया, हमने तो पिछले गत वर्षों में 40-50 वर्षों में इतना देखा नहीं, आप भी देख रहे होंगे कितना। फिलहाल समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और सभी दल, भाजपा भी ये कह रही है कि कैराना में विकास का मुद्दा होगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होगा, लेकिन असल में क्या राजनीतिक दल इस विकास के बहाने सांप्रदायिकता के भी मुद्दे को उठा सकते हैं? ये कैराना की जनता को तय करना पड़ेगा कि विकास सांप्रदायिकता के ऊपर रहेगा या एक बार फिर विकास का मसला पीछे छूट जाएगा और सांप्रदायिकता आगे आ जाएगी। फिलहाल चुनावी घुमक्कड़ में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मैं विप्लव अवस्थी और अपने कैमरा सहयोगी विनोद के साथ इस समय शामली के कैराना से।